देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। चीन में फैले कोरोना वायरस से दुनिया चिंतित है। भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देशों ने अपने हवाई अड्डे पर चीनी यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस वायरस को लेकर सतर्क हो गया है। चीन में फैले कोरोना वायरस को लेकर WHO ने जिनेवा में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में वायरस से निपटने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि चीन कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से निपटने के लिए बेहतर कदम उठा रहा है। संगठन ने भरोसा जताया है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि इस बैठक से पहले कहा जा रहा था कि WHO अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है, लेकिन संगठन ने चीन के प्रयासों पर मुहर लगा दी। कोरोना वायरस की वजह से पूरा चीन अलर्ट पर है। चीन ने वुहान शहर से बाहर जाने वाले उड़ानों और ट्रेनों को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही लोगों को बिना इमरजेंसी शहर नहीं छोड़ने की गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना वायरस के कारण अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और 543 लोग इससे संक्रमित हैं। अमेरिका में भी कोरोना वायरस का एक केस सामने आया है। चीनी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ये बीमारी छुट्टियों के मौसम में और फैल सकती है, क्योंकि इस दौरान लाखों लोग विदेश में यात्रा करते हैं। बता दें कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो आम सर्दी से लेकर तीव्र श्वसन सिंड्रोम तक की बीमारियों का कारण बनता है। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस के सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ जैसे लक्षण शामिल हैं।